हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फैजा हसन व्लॉग्स। तो जी आज हम जा रहे हैं कैंपिंग करने, ओवरनाइट कैंपिंग करने विद फैमिली फ्रेंड्स। मुझे वो नजर नहीं आ रहा शीशा, शीशे नजर नहीं आते। चलें जी बिस्मिल्लाह करके। तैयारी हमारी सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और फुल लोडेड हम बैठे हैं, डिग्गी भरी हुई है सामान से सब बहुत ज्यादा। और हमने ब्लॉगिंग लेट स्टार्ट की है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, यहाँ टाइम हो गया है 12:03। ठीक है, और अब हम अपनी जर्नी करने लगे। स्टार्ट में सीट बेल्ट ले ली? जी हाँ। चलिए पेट्रोल देखते हैं, टायर की हवा देखते हैं। आज हमने अपनी गाड़ी चेंज की है, हम जा रहे हैं दूसरी गाड़ी पर क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है जो रेगुलर यूज़ के लिए वो हैशबैक है, उसकी डिग्गी छोटी है और हम लोग जो हैं काफ़ी लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो हम लोग सामान नहीं रख सकते गाड़ी में, डिग्गी में ही एडजस्ट करना था। तो आज हम लोग जा रहे हैं दूसरी गाड़ी पर। फिलहाल हमने एसी का यूज नहीं किया हुआ, लेकिन जब हम लॉन्ग पे चढ़ेंगे ना फिर हमें, और नहीं लॉन्ग पर तेज गाड़ी चलती है यार, उसमें इस तरह बहुत शोर आएगा अंदर, बच्चे भी साथ हैं, ठंड लग जाएगी। क्या गाना लगा हुआ भाई? आप नहीं लगाए फेवरेट सॉन्ग? वो है ना भाई के पास छोटा।
इको वाला है। ये अंदर से मैं गिर रही हूँ। कब थे ना दूसरे? हाँ ये वो दूसरे वाले हैं। क्या किया? ये गर्म था। अब ये ना मारिएगा इसके ऊपर हवा। आपने सारा ये जो ना खराब कर दिया है। पकड़ना, गिर गया, फेंक दो, अब जरूरत नहीं है इसकी। सारा टेबल खराब हो गया है। पत्ती डाले ना, सही है? क्यों, कभी चाय नहीं बनाई? डाले बस बस, ये कोयलों पे चाय बनाएंगे अब हम। कोयलों की चाय बड़ी टेस्टी होती है। ये ऑयल सारा गिर गया, इसको बाकी को पैक कर दो। हसन डांस करने लगे हैं, चलें हसन। नहीं क्यों, चलें ना थोड़ा सा। हसन को डांस नहीं आता है। हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भूख बहुत लगी है, चाय हमारी वो रेडी हो गई। बड़ी जल्दी अब ले गए मुंह में। मरियम क्या नाम है ना? ये मुंतहा है। मुंतहा कैब कहाँ जा रही है? किस किस ने हमारे व्लॉग में आना है? ये भाई का बेटा ना, बिल्कुल इसकी तरह। तो जी ये चाय बन रही है कोयलों पर, और इसमें हमने डाला है गुड़। गुड़ वाली चाय बन रही है। मैंने तो नहीं पीनी, अब ये बाकी लोग पियेंगे, क्योंकि मुझे गुड़ नहीं पसंद। शहद और गुड़ मैं नहीं खाती। अंधेरा देखें कितना ज्यादा है। ये काले काले ना दरख्त हैं, पता नहीं दरख्त हैं क्या है, मुझे तो यहाँ देख के इतना खौफ आ रहा है। ये जो इसका छोटा ब्लैंकेट है, ये पुराना बन गया है। तो जी चाय हो गई है रेडी। हो गई है हसन, कब दो कब दे रही है। ये रहा थोड़ी सी हेल्प करवाएं ना आपकी। चाय हो गई रेडी। एक तो इसकी दो क्वालिटीज हैं, एक तो ये है कोयलों की चाय, दूसरा है गुड़ वाली। ये लो कप। तुम्हारे हाथों में मसाला ऐसे लगा हुआ जैसे मेहंदी लगी हुई। मसाला हो गया, पानी की किल्लत।
गुड प्लस कोयले ये लो। कितने हैं, किस किस में मिला? छोटी छोटी बेलेंगे सारी, ये जाएगी इस टाइम। चाय पी के तो फिर हम सो जाएंगे। आप कहाँ जा रहे थे? मुझे बिस्तर याद आ गया। सर्दी बहुत है। 1 2 3 4 5 5 में कंप्लीट हो जाएगा, एक और बनेगा। पहले चेक करो ज्यादा मीठी तो नहीं हो गई है। अब ये जैसी भी है, जितना आपने गुड़ डाला है ना, अभी ऐसी भी नहीं पड़ी। चलो स्वीट डिश हो गई। हसन ने जो है ना वो गुड़ कर दिया है ज्यादा चाय में। जाओ एक गुड़ को दो भाभी को। अच्छी लगी। गुड़ से चाना। चलो जी। तो जी आपने चाय के साथ किया क्या? नहीं नहीं सही है। सही है, आप तो वैसे मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। मुझे तो भीगी लग रही है। हद हो गई है कसम। अभी मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। नहीं ज्यादा मीठे तो नहीं है। मैं फुल मीठा। सही है वैसे। बहुत सादे लो, पताई चताई नहीं। नहीं। अब यहाँ पे चल रही है चाय सर्दी में। तो जी हम आ चुके हैं अपने कैंप में और हम शीशा एंजॉय कर रहे हैं। दिखाएं, मैं भी शीशा पीऊंगी। मेरे जाके ना हलक में लगता है। अच्छा, जितनी ठंड उधर थी ना जबल अजैज में, यहाँ नहीं ठंड। जबल अजैज ठंड है बाहर, लेकिन कैंप अपना जो है ना हीट हो गया अभी। हाँ नहीं सही है, कैंप हमारा जो है ना ऊपर लाइट लगी हुई है और हमने भी उसको बंद कर दिया ना, तो सही हो गया है बिल्कुल। वैसे नहीं, मौसम मजेदार है, मौसम बहुत अच्छा है। और क्या धुएं छोड़ रहे हैं मेरे मुंह पर। वेंटिलेशन खोल देता हूं। वेंटिलेशन खोल ये हमने वेंटिलेशन खोल दिया। ये देखो इस तरह ठीक है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ठीक है, इस तरह बाहर धुआं छोड़ रहे। वैसे बस करें कुछ ज्यादा नहीं हो गया हसन? ये बहुत ज्यादा बदतमीजी है हसन, मैं ऐसे कर लेती हूँ। हसन बहुत धुआं, बहुत मजे का लगा। नहीं शीशा वाकई बहुत, मैंने थोड़ा सा ऐसे लिया है। फ्लेवर अच्छा है हसन, ये कौन सा फ्लेवर है? तो मालूम होता है, नहीं करो बस। नहीं यहाँ के लग जाता ना। हसन आप नाक से निकाल सकते कैसे? इनहेल नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब अभी आप पक्के नशे नहीं है। नाक से तो निकालें, सच में एक बार निकाल के दिखाएं। निकाल आपको निकालना ही नहीं आता नाक से। लाए मैं नाक से निकालूं? नहीं ऐसे मुंह से नहीं निकालना, नाक से निकालूंगी। चले सर अंदर धुआं ही धुआं हो गया, इसको बंद कर खोल दें। वेंटिलेशन आपने बिल्कुल ही बंद कर दी।
बाहर हो रही है रात, तो दिन चढ़ने वाला भी। हाँ, अब तो दिन चढ़ने वाला है, लेकिन ना कम से कम यहाँ पे 500 कैंप लगे होंगे। हाँ नहीं, कैंपिंग के लिए जो सही में बताऊँ ना, मुझे जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लव लेक बहुत अच्छी है, बहुत सारे यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। और मुझे वॉशरूम का नहीं पता, यहाँ वॉशरूम है कि नहीं, अब सुबह पता लगेगा वॉशरूम है कि नहीं। हम लोग असल में रात में आए थे क्योंकि हमें बारबेक्यू वगैरह करना था और मौसम को इंजॉय करना था, तो बहुत मज़ा आया। हमने बारबेक्यू किया और मौसम को इंजॉय किया, क्योंकि सर्दी हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी। अब सुबह जो है हम अच्छी तरह जो है ना पूरी लव लेक जो है वो हम घूमेंगे और देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा। हमारे साथ असल में अभी हसन के फ्रेंड जो हैं उनकी भी फैमिली है, तो वो हमारे सामने वाले कैंप में हैं और हम अपने कैंप में आ गए और हमने बहुत इंजॉय किया साथ। हसन अब आप बस कर दें, चलो बस। मुझे कुछ नहीं बोलना था, शीशा हसन शीशा छोड़ दो, इतना नहीं पियो। यहाँ क्या कर रहे हैं, एंजॉय करने हैं। एंजॉय करने आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शीशा ही शीशा पीते। अभी मैं उठा के फेंक दूँ बाहर, खत्म होने वाला स्मोक कम हो गया। जरूरी है स्मोक कम हो तो जब ही छोड़ें। अच्छा ना मैं पीऊँ, चलो बस अब बस बंद करो, गुड नाइट। धुआं तो निकालो, सारा धुआं धुआं कर दिया अंदर। चलें जी, अब हम सोने की तैयारी करते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह हम अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो सुबह आप देखेंगे। ये क्या कह रहे हो? गुड नाइट। हसन कहते हैं स्मोक खत्म हो रही है, मैंने यहाँ से 5 निकाला हुआ था इस जगह से और इन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने इनकी नजर पड़ी है तुमने क्या किया। मैंने चुपके से जो है ना वो यहाँ से पाइप जो है ना वो निकाल दिया था ताकि हसन इसको छोड़ दें। देखिए मुझे चढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हसन बस करें ना, देखें सुबह होने लगी है। ओके, बाय निकालने लगा। ओके निकालें, बंद कर दो वीडियो बस। नहीं आप निकालें पहले बाहर, मैं वहां जाके पी लूंगा बैठ के। नहीं क्यों बाहर जाएंगे, आपको मैं जाती हूँ बाहर, बाहर जाने देती हूँ। यार तुमने तो टिश्यू लगा हुआ था, उसका इतनी मुश्किल से उसको एडजस्ट किया हुआ था यार। वीडियो बंद कर दो, 5 मिनट पीऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। हसन बस कर दें, नेक्स्ट टाइम आना मेरे साथ कि नहीं आना। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, लेकिन हसन यार ये क्या है यार, आप पता है कब से पी रहे हैं शीशा? मैं रोज नहीं पीता, ये शीशा मुझे मजा के लगा। चले गाइस, अब जो है ना इन्होंने शीशा छोड़ना नहीं है, रात हो चुकी है, मैं तो अपनी नींद पूरी करूं 2-3 घंटे की जितने की भी करनी है, लेकिन इन्हें मैं कैंप से बाहर भेजूंगी, अंदर नहीं। चले जी आप जाए बाहर। ओके फिर सुबह इंशाल्लाह दोबारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की मॉर्निंग का व्यू जो है हमारा कुछ इस तरह है। डेजर्ट है इस साइड पर सारा, ये हमारा दूसरा कैंप है। लोग अब वापस जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि धूप आना शुरू हो गई है। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं दरख्त से, उस साइड पे बहुत सारे पिजन्स हैं उनकी आवाज़ें हैं। ये आप जैसे सुन रहे हैं ना ये आवाज़,
ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, लोग बीच में जो पानी में उतरे हुए हैं, यहाँ से लोग जाते हैं या सामने वाले रास्ते पर, यहाँ से फिर आगे जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है यहाँ से जाना चाहें, ये और अच्छा एक रास्ता है। एक है पीछे से जहाँ से हम आए ना, तो उधर से भी आप पूरा ये मतलब जा सकते हैं उस साइड पर दूसरी तरफ, और यहाँ से आप ना यहाँ पर वापस आ सकते हैं इस रास्ते से। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो ट्रैक बनाया हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। गर्मी है, मतलब सर्दियाँ तो आ गई हैं, लेकिन अभी खुला एरिया है तो धूप डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पानी के पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर ये कलरफुल जो फिश है ना, ये बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी तो गायब हो गई हैं, चली गई हैं शायद आगे कहीं तैर के। ये फाउंटेन इतना प्यारा इन्होंने बनाया है, एक वहाँ आगे दूर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, वो देखें वो कितना प्यारा इन्होंने बनाया है। दरख्त है, उसकी दरख्त में से पानी निकल रहा है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। पीसफुल प्लेस है बिल्कुल।